सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 41वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन? सखेति मत्वा प्रसभम यद उक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम त्वेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्थात, मैंने आपकी महिमा को न जानने के कारण, अपनी अज्ञानता में प्रमादवश यानी मूढ़ता में या प्रेमवश मैंने आपको सखा के रूप में संबोधित किया। आपको मैंने कृष्ण कहा, आपको मैंने यादव कहा, ऐसा आपको मैं अपना मित्र मान करके कहता रहा। चूंकि मित्र में बराबरी का संबंध होता है, मित्रता में, तो इसलिए आदर की भावना वैसे नहीं होती है। और अर्जुन यहां पर यह देखता है कि कहां भगवान कृष्ण और कहां मैं। पूरा अस्तित्व उनके अंतर्गत है, पूरे अस्तित्व वे ही हैं, सबके स्वामी हैं वे। इतनी बड़ी महिमा है, तो जो महिमावान लोग होते हैं, जिनकी बहुत बड़ी महिमा होती है, अमूमन उनको नाम से नहीं पुकारा जाता है। आदर के कारण नाम से पुकारने का अधिकार सिर्फ बराबरी वाले को और बड़े वाले को होता है, तो बड़ा तो वो है नहीं, तो बराबरी का दावा वो कर रहा था। इसीलिए कह रहा था के सखेदि मत्वा, सखा मान करके, अपना मित्र मान करके मैंने ऐसा कहा, जबकि आप इतने महान हैं, सब कुछ आप ही हैं, सारे देव यक्ष गंधर्व ब्रह्मा सब आप ही को प्रणाम कर रहे हैं। तो यह जो मैंने गलती की है कि आपको मैंने सखा कहा, वह भी एक गलती थी। आपको मैंने कृष्ण कहा, आपके नाम से पुकारा। कृष्ण का अर्थ होता है जो काला हो परंतु आकर्षक हो। काला और आकर्षक, ये दोनों ही कृष्ण के अर्थ होते हैं। तो वह मैंने आपको पुकारा, उस नाम से पुकारा, यादव के नाम से पुकारा, यानी आपके वंश के नाम से पुकारा। यदुवंशी होने के कारण कृष्ण को यादव भी कहते थे। तो कहे कि मैंने आपको यादव के नाम से पुकारा, क्योंकि लोग मित्रता में कह देते हैं कि तुम यादव हो। तो कहा कि आपको मैंने इन इन नामों से पुकारा, इनके पुकारने के पीछे कारण किया था कि मैं आपको मित्र समझता था, इसीलिए आपके साथ बराबरी के व्यवहार की कोशिश की, जबकि आप बराबरी के हैं नहीं। आज मालूम हुआ, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उनको प्रभाव नहीं पता था, प्रभाव उनको कृष्ण का पता था, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव था यह नहीं पता था। इतना पता था कि ये कोई चमत्कारिक व्यक्ति तो है, ये महारथी भी हैं, बहुत बुद्धिमान भी हैं, शास्त्रज्ञ भी हैं, चमत्कारी हैं, माया भी है, तो यह सब तो अर्जुन को पता था। यही कारण था कि उसने एक अक्षौहिणी सेना के बदले में निहत्थे कृष्ण को मांग लिया कि हमें निहत्था कृष्ण ही मंजूर है, मुझे एक अक्षौहिणी सेना इनकी नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो प्रभाव पता था, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव होगा यह नहीं पता था। यह तो विस्मित होकर के जब विराट रूप भगवान ने दिखलाया है तब उसे पता चला। तो इसीलिए वो कह रहा है कि अजानता, मैं आपकी महिमा नहीं जान रहा था, इसलिए मैंने आपको पुकारा, और किसलिए? मैं मूढ़तावश भी पुकारा, और सखा प्रेम जो होता है उस वश भी पुकारा है आपको। तो इन
तीन कारणों को यहां गिना रहे हैं पुकारने का। तो कह रहे हैं कि आपको मैंने इन तीन कारणों से पुकारा, ये मेरे से गलती हो गई। अब इसके बाद वे आगे के श्लोक में बताएंगे कि और क्या कहना चाह रहे हैं। ओम।